तो फाइनली गाइज दिल्ली ट्रांसपोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक को अपडेट कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप हमें आवेदन कैसे करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, लास्ट में हम ये जानेंगे हमें आवेदन करने के बाद स्टेटस कैसे चेक करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद दिल्ली ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं न्यू का एक हाईलाइट आपको दिया जा रहा है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे तो ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको न्यू लिंक पे आ जाएंगे, यानी कि वही पुराना लिंक ही है लेकिन पुराना लिंक को अपडेट करके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था इसी लिंक को अपडेट किया जाएगा। और काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे ये लिंक फेक है और ये वीडियो भी फेक है। चलो इन बातों को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। यदि PSV वैच होल्डर है तो फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करना है। यदि आप परमिट होल्डर है तो सेकेंड वाले लिंक पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर परमिट होल्डर हूँ तो मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, तो मैं फटाफट आधार कार्ड नंबर टाइप कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड टाइप कर दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट में आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना है और सेकेंड में PSV वैच नंबर डालना है। चलो मैं दोनों फटाफट फिल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और PSV वैच होल्डर नंबर टाइप कर दिया हूँ। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड, कुछ इस तरह के भी कभी कभी एरर आ जाता है, तो इससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं सेकेंड पेज पर आ चुके हैं। लेकिन आपको इससे पहले आपको एक मोबाइल नंबर आपको फिल करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आएंगे, OTP सबमिट करना होगा। इसके बाद आपके सामने भी कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन नेम जो आपको आधार कार्ड में होगा वो आपको फिल करना है और यहाँ पे आपको सेकेंड में ड्राइविंग लाइसेंस नंबर इसमें डालना है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर पर वैच होल्डर नंबर डालना है, फोर्थ नंबर में आधार कार्ड नंबर डालना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड पे 12 डिजिट का होगा वो आपको डालना है। इसके बाद मोबाइल नंबर टाइप करना है जो आपके पास है, और इसके बाद ये भी देख लेना यदि आधार कार्ड से कोई नंबर आपका लिंक है वो नंबर आपके पास अवेलेबल है तो वो भी नंबर आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद नीचे की तरफ करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड ड्राइविंग लाइसेंस कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस है उसका आपको फ्रंट पेज को आपको अपलोड करना होगा और ये जो है आपको 1 MB के आसपास होना चाहिए। जैसे आप स्क्रॉल डाउन और करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे अपलोड आधार फ्रंट साइड, तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड के फ्रंट का फोटो खींचने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना है जो कि 1 MB के आसपास होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे अपलोड आधार कार्ड बैक साइड, यहाँ पे बैक साइड के आधार कार्ड आपको अपलोड करना है। जबकि पहले जब हम अपलोड करते थे तो कुछ इस टाइप से अपलोड करना होता था दोनों को एक साइड ज्वाइन करने के बाद, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते PSV वैच कॉपी का क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन इंपॉर्टेंट अपलोड कैंसिल चेक पासबुक कॉपी। यदि आपके पास अपलोड कैंसिल चेक है तो आप कैंसिल चेक भी अपलोड कर सकते हैं। यदि कैंसिल चेक नहीं है तो आपके पास पासबुक होगा तो पासबुक का फ्रंट पेज वाले जिसपे आपको नाम एड्रेस बैंक अकाउंट लिखा होता है वो वाले पेज को आपको फोटो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। जब सारा किस अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का नेक्स्ट पेज देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने जो पर्सनल डिटेल फिल किया है वो आपको 1 by 1 करके चेक कर लेना है, कहीं से मिस्टेक तो नहीं है। इसके बाद अगर मिस्टेक नहीं आपने की है तो नीचे की तरफ आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखिए एक बार फिर से क्लिक कर देना है और इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएंगे। जैसे ही रेफरेंस नंबर आपको लोगों को मिल जाता है तो उस रेफरेंस नंबर से आप कैसे स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी तक यहाँ पे यानी कि इस पोर्टल पे रेफरेंस नंबर से स्टेटस कैसे चेक करते हैं ये अपडेट नहीं किया गया है। तो आप लोगों को करना क्या, सिंपल इसे हम बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद
क्लिक हेयर टू पीएसवी वेज होल्डर पर फिर से हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें स्टेटस चेक करना है हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं या नहीं है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको आधार नंबर टाइप करना है। आधार नंबर टाइप करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने सबमिट पे क्लिक किया हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल गया। तो आप ये देख सकते हैं 25/5/2021 को हमारे अकाउंट में 5,000 रुपया भेज दिया गया है। तो आप आधार कार्ड से भी ऐसे चेक कर सकते हैं हमारे अकाउंट में पैसे आया है या फिर नहीं आया है। यदि नहीं आया होगा तो नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा या फिर प्रोसेस में होगा तो प्रोसेस में शो कर देगा। तो इस तरह से आप लोग ये भी पता लगा सकते हैं हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं या फिर नहीं आए हैं। बहुत ही जल्द आप लोगों को रिफ्रेश नंबर से भी स्टेटस चेक करने के लिए एक लिंक को अपडेट किया जाएगा। तो देखते हो कब तक अपडेट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा दिल्ली सहायता योजना के लिए आवेदन किस प्रकार करना है। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।